हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट टीवी और एंड्रॉयड टीवी में क्या फ़र्क है। ठीक है, अगर आप भी एंड्रॉयड टीवी या स्मार्ट टीवी लेने का सोच रहे हैं तो अंतर मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में, तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहला जो डिफरेंसेस रहेगा स्मार्ट टीवी और एंड्रॉयड टीवी में, तो आपका ये देख सकते हैं स्मार्ट टीवी का कुछ स्क्रीन इस तरीके का आपको दिखेगा और एंड्रॉयड का कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, और दूसरा जो स्मार्ट टीवी में आपको एप्लीकेशन लिमिटेड मिलता है, ये आप देख सकते हैं ये स्मार्ट टीवी में कुछ इस तरीके का, और ये एंड्रॉयड टीवी में आपको इस तरीके का होम पेज मिलता है और इसमें आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन ज़्यादा मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और हॉट स्टार आपको मिल जाता है एंड्रॉयड टीवी में, प्राइम वीडियो ये आपको मिल जाता है, जी फाइव मिल जाता है, एम एक्स प्लेयर मिल जाता है आपको, और एप्पल टीवी मिल जाता है, और टू वे ऑडियो ब्लूटूथ का फंक्शन मिल जाता है एंड्रॉयड टीवी में आपको, जैसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो आप अपने टीवी को। और ये आप देख सकते हैं टीवी को हम थिएटर से और अपने मोबाइल फ़ोन को टीवी से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप सी ऑल में जैसे ही जाते हो तो आपको इतना सारा एप्लीकेशन एंड्रॉयड टीवी में मिल जाता है अभी, और अपने टीवी को अपडेट करने के लिए भी आपको मिलता है, जैसे एंड्रॉयड टीवी को अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ जियो सिनेमा, सोनी लीव वगैरह सारा आपको मिल जाता है। ये बूस्ट करने के लिए, क्लीन करने के लिए दिया हुआ है, ये स्क्रीन मिररिंग के लिए दिया हुआ है, टीवी के मोबाइल के स्क्रीन को आप टीवी पे ला सकते हो, ये भी आपको एंड्रॉयड टीवी में मिलता है। और ये चीज़ स्मार्ट टीवी में भी आपको मिलता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन मिररिंग आप स्मार्ट टीवी में भी कर सकते हो। एंड्रॉयड टीवी में आपको थोड़ा सा ज़्यादा फंक्शन मिलता है इसके मुकाबले, जैसे कि क्रोम कास्ट मिल जाता है, स्क्रीन शेयर इजी वे में हो जाता है, और आपका कोई भी वीडियो वगैरह देख रहे हो तो वो डायरेक्ट आप कास्ट कर सकते हो कहीं से भी, फेसबुक से या यूट्यूब से। तो इतना सारा आपको एंड्रॉयड में कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है, और स्मार्ट में सिर्फ स्क्रीन मिररिंग कर सकते हो आप। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल को हम लोग क्लीन करते हैं वैसे ही क्लीन करने के लिए जो भी जंक फाइल वगैरह है वो सारा क्लीन करने के लिए यहाँ पे आपको वो मिल जाता है, क्योंकि एंड्रॉयड टीवी है इसलिए। ठीक है, जैसे हम अपने फ़ोन को करते हैं वैसे ही सेम यहाँ पर मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद जैसे बगल में आप देख सकते हैं नेट के स्पीड को भी चेक कर सकते हो यहाँ पे, जियो सिनेमा, सोनी लीव वगैरह भी आपको इसमें मिल जाता है, और काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन इसमें मिलता है। इसके अलावा भी अगर आप कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो एंड्रॉयड टीवी में, और स्मार्ट टीवी में लिमिटेड जो एप्लीकेशन आपको दिया हुआ है वही एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो। और ये आप देख सकते हैं एंड्रॉयड टीवी में ऊपर में आपको फॉर यू, मूवीज़, शोज़, ऐप, लाइब्रेरी, इस तरीके का पूरा आपको यहाँ पे मिलता है। ऐप में जैसे जाते हो तो इतना सारा यहाँ पे ऐप मिलता है, और उसके अलावा अगर कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, जैसे यह इंटरटेनमेंट का है, यहाँ आप देख सकते हैं सारा उस हिसाब से वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इतना सारा एप्लीकेशन आपको मिल जाता है, जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो जो सपोर्टेड है वो कर सकते हो इसमें, जो कि आपका स्मार्ट टीवी में नहीं। एंड्रॉयड टीवी में आपका इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है 4 GB का, और किसी किसी टीवी में 16 GB तक भी मिलता है, और इसमें स्मार्ट टीवी में आपको स्टोरेज नहीं मिलता है, ये भी डिफरेंसेस है। इस एंड्रॉयड टीवी में ये आपका ब्लूटूथ कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है और स्मार्ट टीवी में वो नहीं मिलता। ये आपका स्मार्ट टीवी का रिमोट हो गया, जो कि सिंपल है, सिर्फ आपका यूट्यूब दिया हुआ है, और ये आपका ब्राउजिंग करने के लिए और प्राइम वीडियो के लिए नॉर्मली सा, और ये आपका एंड्रॉयड टीवी का रिमोट हो गया, और एंड्रॉयड टीवी में थोड़ा सा फंक्शन ज़्यादा है जिसके कारण से आपको यूट्यूब, प्राइम वीडियो, ब्लूटूथ का ऑप्शन यहीं पे मिलता है। ये आप देख सकते हैं ये होम पेज में जैसे जाते हैं, और एंड्रॉयड टीवी में आपको गूगल असिस्टेंट भी मिल जाता है, जैसे जो भी आप बोल के कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो,
तो वॉइस असिस्टेंट आपको मिलता है एंड्रॉयड टीवी में, जो कि स्मार्ट टीवी में नहीं मिलता है। ये एंड्रॉयड टीवी का रिमोट हो गया, और ये आपका स्मार्ट टीवी का पीछे का पीछे के साइड का है। ये आप देख सकते हैं, दो पेन ड्राइव का, और ये आपका दो HDMI केबल, और पहले वाला जो एंटीना वाला वो भी ऑप्शन आपको मिलता है स्मार्ट टीवी में। और ये एंड्रॉयड टीवी का कनेक्टिविटी, इसमें दो पेन ड्राइव, एक लैन का सिस्टम, दो HDMI, एक हेडफोन का और एक ऑक्स केबल, एक AV इन के लिए भी ऑप्शन मिलता है। और ये आपका दोनों में डिफरेंसेस हो गया। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के वीडियो आप तक लाता रहूं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।